तो नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और देखिए, आज की हमारी सुबह इस खूबसूरत स्थान पे हुई है। नीचे बहुत ही सुंदर वैली व्यू है और कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी सुंदर पैराग्लाइडिंग होती है। ये जगह है बिलिंग करके, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग की जाती है। और ये जो आपको गाड़ी के पीछे ये टॉप दिखाई दे रहा है, बस यहाँ से जो पैराग्लाइडर्स हैं वो अभी उड़ते हुए कुछ ही देर में दिखेंगे। बस सुबह के 7 बजे, मौसम बहुत ही अच्छा है। ये सात्विक जी नीचे नीचे कैसे पहुंच गए? हाँ, सुसु करने गए थे। वाह, सिमरन जी हैं हमारे साथ जो वॉक सर वॉक पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या हाल है? जाए आप? ओ, हम तो वो दुकान देखने गए थे जो मोड़ पे थी ना पहले। हाँ हाँ, तो वो ढूंढने गए थे, दूध वगैरह ले आएंगे। अच्छा, पर काफी आगे गए। हाँ, मतलब और आगे होगी, गाड़ी में पता नहीं चला। अच्छा, वो दुकान पर्याप्त आगे होगी। आइए भैया सात्विक, ये हम रेडी हो गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। चलिए जी, यहाँ जाने वाले हैं ऊपर। वाह वाह वाह, और ये देखिए कितने सुंदर जंगल हैं यहाँ पर, फॉरेस्ट है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से हम आ रहे हैं और ये जो गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिख रही है, ये पैराग्लाइडिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं। अभी देखिए और थोड़ा सा हम ऊपर आए हैं इस रास्ते से होते हुए, जहाँ से ये सब लोग आ रहे हैं, और नीचे का नज़ारा यहाँ से वाकई देखने लायक है। ये है जी भीड़, ये बह रही है छोटी सी खड़, और नीचे होती है लैंडिंग। और ये जो जगह है, जाते वक्त ध्यान में नहीं आई थी, अभी देखिए ये जगह कितनी सुंदर लग रही है। तो कई बार ना हम जब एंगल चेंज करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी चेंज होता है। वाह, अति खूबसूरत। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, मतलब आप क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब आपके सब्जेक्ट, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, इन तीनों में क्या कॉम्बिनेशन है, समझ गए? मतलब आपके सब्जेक्ट के अनुपात में बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कितना फोकस में है। अब अपन देखते हैं, मान लो इधर आओ, थोड़ा सा आ गया। ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, तीन चीजों पर डिपेंड करती है। कितनी चीजों पर? तीन चीजों पर। पहला एपर्चर, दूसरा डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। एपर्चर क्या होता है, ऐसे एक ओपनिंग होती है लेंस के आगे, है ना, जो बड़ी और छोटी होती है, ठीक है, ये होता है एपर्चर। डिस्टेंस मतलब कितनी दूर आपके कैमरे से आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि अपन देखते हैं ना, वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो मतलब जो आपके सब्जेक्ट को पास में लाता है। तो इसको अपन काउंट करते हैं एमएम में। किसमें करते हैं? एमएम में। जैसे 50 एमएम लेंस है अपना, है ना, आपने देखा है 1635 अपना लेंस है ना, ऐसे अलग अलग लेंस होते हैं, ऐसे तीन चीज है। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक पत्ता अपन देखते हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड में, यहाँ सुंदर नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते देखिए, आगे चल के आपको दिखाई दे। तो जी, इस प्रकार सुबह सुबह की सैर सपाटे के साथ कोशिश करी कि सात्विक को कुछ बताया जाए, कुछ सिखाया जाए, और ये सब करते करते हम पहुंच गए अपनी
कैंपर वैन के पास। और ये आ गए फाइनली हम मॉर्निंग वॉक करके अपनी कैंपर वैन पे। वाह जी, तो इतने ठंडे मौसम में ये जो धूप है ना ये इतनी अच्छी लगती है। और ये हम आ गए धूप में। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कहां से आ गया ये पानी। हाँ, मुझे लग रहा है आप लोग नहा धो के रेडी हो गए। तो वहीं जाके नहा के आए आप लोग। अच्छा, अरे वाह, रुक जाओ चलेंगे। आप यहीं नहा ली। तो अब कपड़े सूखने चालू हो चुके हैं और सिमरन अंकल नदी में, नदी नहीं कुछ नल से नहा के आ चुके हैं। तो जी आज है श्राद्ध और सुबह सुबह तैयारी शुरू हो गई है। श्रीमती जी का स्नान हो गया, स्नान करके ही आज भोजन बनाना था। उधर सात्विक जी जल चढ़ाएंगे सभी पितृगणों को। सो बस ये रोटी बन गई, इसमें कुछ मीठा डालेंगे और जल अर्पित करेंगे। हमारे सभी पितृगण इस जल को ग्रहण करें। 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 तो जी ये जो रोटी है वो अभी अभी मैंने आपको दिखाया, कौए को डाली जाएगी रोटी और एक अग्नि पे। वहाँ उस पे वो जो बैठने वाली हुआ ना साथ ही कुर्सी उसके ऊपर रख दिया। ये गाय की है। अभी वहाँ कलाई पेड़ के पास ही डाल के आते हैं। हाँ, पेड़ के पास डालोगे। चलो अच्छा, चलो तो खा भी लेंगे। चलो 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 चलो। और संयोग की बात है कि इतने दिनों बाद आज ही कौए के दर्शन हुए हैं और आवाज भी मतलब ऐसा ही लग रहा है जैसे कि वो आवाज देके बुला रहे हैं कि मेरी रोटी कहाँ है, मुझे दी जाए। ये देखिए ये रहे, ऐसे नहीं खाएंगे। हाँ, आप किसी पत्थर पे रख दी सात्विक, ऐसे तो वो डर जाएंगे। तो जी ये है कौए की रोटी। वाह। तो जी अब बाहर की पेंट्री में बनना शुरू हो गई है दाल, और वो भी बन रही है एकदम हांडी में, एकदम मस्त मस्त मिट्टी की हांडी में और सिगड़ी के ऊपर। सोचिए क्या ही टेस्ट होगा उसका। तो जी इधर हमारी दाल लगभग तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी बनी है, मतलब ऑलमोस्ट बन चुकी है, ये आपको दिखाता हूँ। वाह, चूल्हे पे बनी हुई वैसे भी जो इसकी दाल होती है ना सिगड़ी की, ये देखिए जी, ये हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी बस घुटनी बाकी है, ये थोड़ी देर और चलती चलती ये घुट जाएगी। और इधर हम अपने राइस कुकर में चढ़ा रहे हैं चावल। और अब हमारी प्लेट्स जम के टिश्यू लगा के लाई है एकदम बुफे की तरह। वाह, तभी मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जी ये डल रहे हैं इसमें बिल्कुल बढ़िया बने हुए खिले खिले, देखिए कितने बढ़िया बने, एकदम खिले खिले चावल बने। और इस पे डालते हैं ये चूल्हे की बनी हुई दाल। वाह, लगा देते हैं इसमें चम्मच और अब ये अवनी देकर आएंगी दादी को। ब्रह्मेवतेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधानं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देखो मम्मी कैसे मारती है अपने बच्चों को। एंकरिंग एंकरिंग।
मम्मी ऐसे ही मारती है अपने बच्चों को। और ये बच्चा पिटने के बाद क्या करेगा बताओ? कोई होता रोटी नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, ये बच्चा जाके सो जाएगा अच्छी वाली नींद, है ना? ये मोटा बच्चा कैसे मार दिया अपने मासूम मासूम मार बोल दो मासूम बच्चे को मासूम मासूम मार बोलो मासूम बच्चा मैं मासूम नहीं हूँ तो क्या हो बताओ क्या हो कैसे हाथ मसोड़ती है अपनी ये माँ अपने बच्चे को इसलिए मारती है ये बच्चा पिटने लायक है खूब पिटने लायक बताओ साथ में पिटने लायक है कि नहीं बहुत पिटता है कितना काम बिगाड़ती है और वो भैया मेरे हाथों से पिटता बड़े लोगों को मारूंगी है मेरे हाथों से पिटते हैं ये देखो ये डबल डबल लड्डू लटका जा रहा है गले में दुनिया को दिखा रही है माँ कैसे बच्चे को मारती है और ये बच्चा कैसे एकदम मचाता है ऐसे डंडियां नहीं आ रही है नेटवर्क चाहिए डंडियां नहीं आ रही है इतनी सारी डंडियां पड़ी है इधर टावर आया टावर आया टावर आया आया दिख रहा है कट आ गया इसे कट गया नहीं आया टावर तू मेरे से मोढ़े चढ़ मेरे मोड़े जड़ा नहीं आया टावर अरे सर हम देते हैं आपको हमारी सीधे जियो से कनेक्टिविटी हमने व्लॉग अपलोड किया है सर जियो का अरे आप हमने व्लॉग कैसे अपलोड कर लिया बताइए और जी शाम होते होते मैडम ने आज सुखा दी थी दाल इसमें क्या कीड़े लग गए थे लगी जाते हैं थोड़े बहुत दिन से चल रहे हैं रखी हुई थी आपने बनने नहीं दी सब्जी खाओ दाल का नंबर ही नहीं बताओ सब्जी नहीं खानी चाहिए जीवन में खानी चाहिए दाल भी खानी चाहिए है ना दाल भी खानी चाहिए तो खाई ना दाल नहीं बनाई सबसे का पन्ने झूठ बोल रही है मम्मा झूठ बोल रही है दो तीन महीने में बनाइए तुम जितने मासूम हो ना साथ में जितने कैमरे पे दिखने की कोशिश करते हो असली में तुम हो नहीं हो उतने है ना और जी लगभग शाम हो चुकी है सबसे अच्छी बात है कि हमारा व्लॉग अपलोड हो चुका है इधर बच्चों का चल रहा है खेल सब्जी उब्जी बन रही है इनके देखिए कढ़ाई में तो आज हमें खाना नहीं बनाना अपनी पक्का और पीछे चल रही है पैराग्लाइडिंग घर में एक चीज बताओ वाकई इतनी ईमानदारी से अगर तुम दोनों घर में काम में हाथ बटा दो तो कितना अच्छा हो जाए हैं बताओ नहीं तुम ना तो इधर तो जवाब दो घर में अगर तुम थोड़ा सा काम में हाथ बटा दो इस तरह से मम्मा से कभी पूछ लो लाओ मम्मा पालक काट दूं तो कितना अच्छा हो जाए क्यों नहीं काटने देंगी तुम पूछोगे अच्छा है ना बहाने एकदम मतलब उदाहरण दे रहे हैं काम बहुत सारे होते हैं मम्मा सुबह सुबह झाड़ू लगाती हैं अपने कैंपर वैन की तो पुला करो मम्मा मैं लगा दूं मम्मा मैं स्लैब साफ कर दूं मम्मा मैं अपनी सफाई कर लूं मम्मा मैं आज खुद नहा लूं एकदम चेहरा देखो कैसा मासूम बना लिया और जी इधर तैयारी चल रही है चाय की जबरदस्त सात्विक क्या बात है मैराथन चाय ये देखिए जी वाह हाँ आज कौन कौन बना रहा है भाई चाय भैया और तुम वाह वाह वाह
चाय में भी सात्विक दो जने तो चाहिए एटलीस्ट चाय बनाने के लिए, है ना। अभी हमने पूछा सात्विक जी से लकड़ी लेने चल रहे, तो वो बोले भैया के साथ चाय बना रहा हूँ। और चाय वाकई दोस्तों इतनी भारी चीज़ है, अकेले बनाई नहीं जा सकती। क्यों सात्विक जी? एक तो चाय की पत्ती बहुत वजनी होती है, उसको डालने के लिए दो जने चाहिए चाय, मतलब उसमें पतीले में। नहीं, अगर दो जने आ जाएंगे तो चाय थोड़ी ज्यादा जल्दी बनेगी। ज्यादा जल्दी बनेगी सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये आपने पीसी इलायची? हाँ। वाह। और इसको हम ओम नमः शिवाय स्वाहा करके डालेंगे। ओम नमः शिवाय स्वाहा। स्वाहा। चाय चाय चाय। चाय पी लो चाय। चले गए चले गए, सात्विक अपनी आवाज में दम नहीं है। चाय चाय चाय। अरे उतर ही रहे तो नहीं, उतर नहीं रहे। तो जी यूं हुई शाम की थोड़ी सी मौज मस्ती चाय के साथ, और फिर हम निकल पड़े रात के लिए लकड़ियों का जुगाड़ करने। तो जी इस पूरे साजो सामान के साथ हम जा रहे हैं लकड़ियां इकट्ठी करने। ये ले लिया बोरा, ये ले ली कुल्हाड़ी। जय माता दी। चलो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अरे सर क्या बात, सबकी परछाई आ रही है। वाह, आइए देखिए, इधर आइए, ऐसे खड़े होइए। सात्विक इधर आइए, एक फोटो लेंगे। फोटो अभी गाड़ियां ठुक गई हैं। देखो बच्चा ये हो गया, देखो पहाड़ों पे सेफ ड्राइव करो, है ना, नहीं तो टूट जाता है गाड़ी। टूट जाता है। चलो दोनों सेफ है। ओके जी, एक बोरा अनु छड़ आया उत्थे, ते दूसरा आपां इकट्ठा करके ते फिर भर रहे हैं। ते लकड़ां जिन्नी चाहिए उस तो अपने को वध ही आ गई। हां, उस तो ज्यादा ही आ गई अब तो। और इसमें ना कुछ मोटी हैं, मोटी हैं वो, जो मोटी हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा है। हाथ से फाड़ लेंगे लकड़ी बड़ी। अब ये थोड़ी बहुत जो है वो हाथ में ले सकते। लो यार रद्दी होतला ले, रद्दी कहां चले, लो यार रद्दी बोतला ले, लो यार अभी कहाँ चले। हाँ हमारी तो दर्जन है, पूरी सूखी है, पूरी सूखी है। थोड़ी मैं भी थोड़ा सा नहीं नहीं, एक जना कोई भी घसीट के लिए चलेगा ना इसको। ठीक है ठीक है, तेरे पास तो पहले ही बहुत है। एक जना कोई भी घसीट के लिए चलेगा। पहुंच चुके हैं अपनी कैंपर वैन के पास, और इन लकड़ियों से शायद से कुछ बनाएंगे, बनाएंगे मतलब खाना पीना का कुछ करेंगे, नहीं तो इनसे बॉनफायर। तो सर इसको जहां जलानी है वहीं खाली करना। बिल्कुल बिल्कुल, अपन दो बार के तो जी, जी जी बिल्कुल। यहां के रोड पे तो आग जलेगी ना, तो जी तो यहां थोड़े से रखेंगे, आज तो कर देंगे बॉनफायर, नो टेंशन। शानदार। तो आइए दिखाते हैं आपको आज यहां का 360 डिग्री व्यू। और ये देखिए कितने सुंदर बादल छाए हुए हैं, ये सामने सूर्यास्त हो रहा है। ये जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं सब ओक ट्रीज हैं। सो ओक जो होता है ना वो बहुत ही ठंडा होता है। और यहाँ लेफ्ट में देखिए ये है पूरी वैली, यहाँ पर नीचे है बरोट विलेज, बिलिंग, बीर। और इधर हम आ जाते हैं तो पार्कड है हमारी कैंपर वैन। इधर भी देखिए पैराग्लाइडिंग का कितना सुंदर नजारा है। पीछे धौलाधार रेंज के ऊपर बादल छाए हुए हैं और तीन तीन पैराग्लाइडर्स वहां से उतरते हुए आ रहे हैं। Thank you.
दोस्तों, चांद के सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे डॉक्टर निधि श्रीवास्तव की एक कविता याद आ रही है। आज चांद पूरी कला में है, पूनम की रात जो है चांदनी से मिलन की रात है। देखो तो चांदनी 16 श्रृंगार में कितना इठला रही है। ये सौंदर्य, ये छटा मानो अभी दुग्ध स्नान करके आई हो। मखमली रूप लिए जाने कितने स्वप्न संजोए, धरा पर बिखर गई है। नहीं पता ये सब कुछ 4 दिन का है। फिर चांद गुम हो जाएगा, कुछ मधुर यादें छोड़ जाएगा। रहने दो इन बातों को, आज मचलने दो कुछ सपनों को, कुछ कल्पना में रंग भरने दो कि आज पूनम की रात है, कि आज पूनम की रात है। तो जी मित्रों, आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता, वाकई बहुत अच्छा बीता। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ अपने मन की, जो हम अपने कैंपिंग में प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो देखिए, जैसे कि हम इस स्थान पे कल आए थे, कल शाम को भी हमने हॉल्ट किया था, पर जिस प्रकार का इजी कंफर्ट माहौल आज शाम से लेकर पूरे रात तक या पूरे दिन भर ही बोलूँगा वो बना, वो कल उतना नहीं था। कारण ये मुझे लगता है कि किसी भी जगह पर जाएँ, अगर आप कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो जिस दिन आप वहाँ पर लैंड कर रहे हैं, एटलीस्ट उस रात और अगली रात 2 रातें कम से कम वहाँ बिताएं, तो मुझे लगता है कैंपिंग का बहुत अच्छा आनंद हम ले सकते हैं, जैसा कि हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो संगत का बहुत बड़ा महत्व है, सो अच्छी संगत के साथ और अच्छी कैंपिंग इंजॉय कर पाते हैं, जैसा कि हम कर पा रहे हैं। और अकेले का अपना एक अलग फील होता है, क्योंकि जो आसपास के गाँव के लोग होते हैं उनके साथ एक कनेक्ट होता है आपका, और बहुत सारी अलग चीज़ होती है, जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग्स में देखा। सो एनीवेज, बस इस सब के साथ हम आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। कल सुबह एक नए दिन के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। कहाँ बढ़ेंगे यहाँ से कल, ये आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार।